नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से। यहाँ देख सकते हैं कि HJM मानव शाह मानव सना ने कमेंट किया है कि सर कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट आउटलाइन कलर कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले HJM मानव सना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट आउटलाइन कलर कैसे ऐड करें। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरा कोरल ड्रॉ X3 खुला हुआ है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो किसी भी कोरल ड्रॉ के किसी भी वर्सन में आप कर सकते हैं, चाहे वो कोरल ड्रॉ X3 हो, X5 हो या X7 हो, या आपका कोरल ड्रॉ 12 हो किसी, या 11 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करता हूँ, फिर अपने पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर आ गया। अब जो टेक्स्ट को आपको आउटलाइन कलर देना है वो टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया, लेकिन अभी भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी 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 भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है कर्सर। तो जब आप टेक्स्ट लिख दिया है आपने तो उसके बाद पिक टूल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा रिसाइज इस तरह स्केलिंग कर लीजिए। उसके बाद चाहे तो टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। तो जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका देखिए तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का बॉक्स फॉन्ट लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फिलहाल मैं एरियल ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये थिकनेस आ जाएगा, थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। ये देखिए मैं टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जनरली क्या होता है कि टेक्स्ट का अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कलर करना है, टेक्स्ट आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, अगर इसको कलर करना है तो राइट हैंड साइड में देखेंगे कलर पैलेट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर और भी कलर पैलेट अगर नहीं है, कम एक है, अगर और ज़्यादा कलर पैलेट लाना है आपको तो यहाँ पे चले जाइए, विंडो में जाइए, यहाँ पे देखिए कलर पैलेट्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कलर पैलेट्स है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके और भी कलर पैलेट ऐड कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको कलर करना है, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा तो ये कलर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर माउस का लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट मेरा कलर हो गया। अब इसका आउटलाइन कलर करना है, तो आउटलाइन कलर करने के लिए जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था तो कलर पैलेट में चले जाइए, उसके बाद राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करता हूँ तो हल्का सा आपको आउटलाइन कलर यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट क्लिक करने से आउटलाइन कलर आप कर सकते हैं टेक्स्ट का, और लेफ़्ट क्लिक करने से आप फिल कर सकते हैं टेक्स्ट को। लेकिन जो मैंने आउटलाइन कलर किया है, देखिए यहाँ पे कलर मैं करता हूँ तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आउटलाइन को हम लोग ठीक करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे टूल बॉक्स है, और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन टूल है, इसके कॉर्नर में एक छोटा सा आपको रेक्टेंगल बटन दिखाई देगा, फ्लाई आउट बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन टूल के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए पतला लाइन है आउटलाइन के लिए, 1.2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। अगर 2 पॉइंट करता हूँ तो देखिए हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से मैं आपको इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए हल्का सा आपको स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा। और अगर थिक करना आउटलाइन को तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ से आप ये वाला चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा आउटलाइन ये इसका थिक हो गया, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ले, अगर ये वाला लेते हैं 2 पॉइंट तो ये 2 पॉइंट ठीक है, और थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए अब आपको हो सकता है अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन, ध्यान से देख लीजिए आउटलाइन यहाँ पर। और इसका आउटलाइन कलर करने सिंपल है, कलर चेंज भी करना है तो सिंपली आप कलर पैलेट में जाइए, जो कलर आपको चूज़ करना है इसे राइट क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आउटलाइन इसका कलर यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा टेक्स्ट में, और यहीं से आप यहाँ से थिकनेस वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नो आउटलाइन करना है, अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आउटलाइन यहाँ से चला गया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ से, ये देखिए राइट क्लिक किया, इसमें हल्का सा इसको यहाँ से कलर मैं इसका आउटलाइन पे कलर कर देता हूँ, देखिए आउटलाइन कलर हो गया। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी इसको आप इसका आउटलाइन हटा सकते हैं, यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन दिया हुआ, इस ऑप्शन के माध्यम से भी
और अदरवाइज ये कलर पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कलर पैलेट राइट हैंड साइड में जो कलर पैलेट है वहाँ पे देखिए क्रॉस एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, वहाँ माउस पॉइंटर ले जाइए और राइट क्लिक कर दीजिएगा तो भी आप आउटलाइन कलर आप यहाँ से हटा सकते हैं टेक्स्ट को। फिर से एक बार आउटलाइन कलर दे देते हैं, ये 2 पॉइंट ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें सारे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कलर आउटलाइन कलर दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आउटलाइन कलर का एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मिक्सर है, पैलेट है, जो भी यहाँ से भी आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको कलर चाहिए यहाँ से आउटलाइन कलर अपना मन मुताबिक। अगर वहाँ कलर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखिए आउटलाइन का कलर यहाँ वहाँ से भी चेंज हो गया, सिंपल है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये जो आउटलाइन टूल है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये दूसरा नंबर आउटलाइन कलर डायलॉग लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए पैलेट है, यहाँ पे अगर यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको अप एंड डाउन कीजिएगा तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे शेड वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, जैसे ये वाला कलर है, अगर ये वाला चाहिए क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जैसे मॉडल है, यहाँ से भी आप कलर वगैरह भी आप यहाँ से, जैसे मान लेते हैं मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर का पूरा ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन कलर का पैलेट है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ब्लू कलर है, तो यहाँ पे आपको जैसा शेड चाहिए, जितना डीप चाहिए, लाइट चाहिए, यहाँ से आप कलर ब्लू कलर का चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो देखिए हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ये आउटलाइन कलर यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको चाहिए यहाँ पे नो आउटलाइन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आउटलाइन यहाँ से भी चला जाएगा। फिर से लाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आउटलाइन आ गया, सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद ये आपका आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आप अगर आउटलाइन आपका थिकनेस करना है तो यहाँ पर विड्थ दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ, जैसा आपको स्टाइल चाहिए, अगर डॉटेड में चाहिए, जैसा यहाँ से भी आप आउटलाइन का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते, डॉटेड डॉटेड अगर इस तरह करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। देखिए इस तरह का डॉटेड डॉटेड आपका आउटलाइन कलर हो गया, देख लीजिए। अगर पसंद नहीं आता फिर से इस आउटलाइन पर चले जाइए और यहाँ पर जो आउटलाइन का पेन डायलॉग बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, यहाँ से और थिकनेस वगैरह आपको करना है, जैसे 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर 6 पॉइंट करते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं, 6 पॉइंट अगर लिख देता हूँ मैं, 0.0 लेता है कि नहीं देख लेते हैं, ओके कर दिया मैंने। ये देखिए 6 पॉइंट भी यहाँ पे कलर, आप अपने हिसाब से, बहुत बड़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे पॉइंट, देखिए पॉइंट जो दिया है चौड़ाई के लिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 के बाद 5 अगर चाहिए तो 4 पे क्लिक करके यहाँ पे 5 टाइप कर दीजिएगा तो भी आप उसका चौड़ाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ, जैसा स्टाइल का आपको आउटलाइन चाहिए, बहुत बार अलग अलग तरह के आया, देखिए ये वाला अगर इस तरह चाहिए ओके कर दीजिए। ये देखिए इस तरह का आउटलाइन हो गया। बोलेगा नहीं भाई प्लेन ही चाहिए हमको, तो सिंपल है, फिर आउटलाइन ये टूल है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये जो पहला पेन नुमा टूल दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर स्टाइल अगर पसंद नहीं आता है आपको, यहाँ से आप स्टाइल वगैरह भी, कलर यहाँ पर तो दिया हुआ है, देख लेते हैं, ओके। ये देखिए इस तरह का, देखिए आउटलाइन हो गया, सिंपल है, बहुत बड़ा ऐसा डिज़ाइन वगैरह में हमें इस तरह का आउटलाइन चाहिए होता है, देख लीजिए। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आउटलाइन में जाइए, यहाँ पे नो ऐसे ऐसे कर देने से इसको ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह का आउटलाइन तैयार हो गया। कलर आपको अगर नहीं चेंज करना है यहाँ से, अगर चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने जैसे बताया राइट हैंड साइड में आपको कलर का पैलेट दिया है, राइट क्लिक कर दीजिए, माउस का राइट क्लिक, याद रखिएगा आउटलाइन के लिए यहाँ से माउस का राइट क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर हो जाएगा, अगर अंदर में कलर करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक। देखिए इस तरह का आउटलाइन कलर यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग आउटलाइन का कलर करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं कोल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।